हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है जन्माष्टमी और मैं उठ के सुबह सुबह आ गई हूँ अपनी बालकनी में। अभी शायद थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, गाड़ियों में करेगा। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सुबह उठ गई हूँ। अब मैं पहले तो अपने हस्बैंड का लंच वगैरह बना के उनको भेज के उसके बाद अपना साफ़ सफाई में लगूँगी, फिर नहाऊँगी और उसके बाद अपना भगवान जी को नहा धुलाकर उन कपड़े वगैरह चेंज करके उनकी पूजा करेंगे, फिर हम जाके चाय वगैरह पियेंगे। उसके बाद हम दिन में क्या क्या करते हैं वो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में और ब्लॉग को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपने हस्बैंड के लिए लंच वगैरह तैयार करने। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से लंच तैयार किया, उनका लंच पैक करके और उनको भेज दिया ऑफिस। ऑफिस के बाद फिर मैंने अपना झाड़ू पोछा वगैरह जो भी था वो सारा कुछ काम करा। उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना रेडी होने। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना हो रही हूँ रेडी। थोड़ा बहुत जो भी अपना सूट वूट मैंने यहाँ पे डाला वो सूट डाल लिया था। फिर उसके बाद वही अपना जो स्किन केयर वगैरह था वो किया, अपना बिंदी सिंदूर लिपस्टिक जो मेन होता है सुहाग का वो अपना सब कुछ लगाया। और उसके बाद जो है फिर मैं जाऊँगी अपना सुबह में जो भी अपना पूजा वगैरह थी। ऑलमोस्ट मैं 9 साढ़े 9 तक फ्री हो गई थी अपना नहा धो के, फिर मैंने पूजा कर ली। मैं सुबह में इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वही लंच वगैरह तैयार करना, 5:30 बजे उठी थी मैं, उसके बाद वही लंच वगैरह तैयार करना। अगर मैं नहाने बैठ जाऊँगी तो फिर लंच और नाश्ते के लिए लेट हो जाता है उनको, और उनको जाना होता है जल्दी। तो इसलिए मैंने वो सब करके फिर मैं अपने आराम से नहा के यहाँ पर रेडी हो के फिर मैं अपना करूँगी पूजा। पूजा अभी आप यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं सुबह सुबह बस मैंने अपना वही दीपक जलाया था और भगवान जी को नहला के उनके कपड़े वगैरह चेंज किए। थोड़ा सुबह सुबह मैंने बस मिश्री का भोग लगा दिया था और अपना आरती वगैरह जला दी थी। यहाँ पे पहले मैं अपने सारे जो पूजा वाले बर्तन हैं वो बाहर निकालूंगी, उसके बाद मैं अपना मंदिर को थोड़ा सा पोंछूंगी, ठीक है। उसके बाद जाऊँगी मैं। ये है मेरी आंटी जी, ये आई हुई थी फ्राइडे को, आई थी शाम में। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हमारे साथ रुकी, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये इनकी पेशेंट है, और मतलब पेशेंट क्या, बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता है, बहुत ही प्यार करती है हमसे, हम भी इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं अपना सुबह का नाश्ता करने। मैं यहाँ पे साबुदाने के पापड़ के साथ चाय पी रही थी और साथ साथ आंटी से बातें भी कर रही थी, वो भी अपना नाश्ता कर रही थी। उनको मैंने बना के दिया था बेसन का चीला और चाय, वो अपना नाश्ता कर रही थी। फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर ये हो गया है शाम का टाइम। अब मैं आ गई हूँ अपना किचन में। यहाँ पे मैं अपना भगवान जी के लिए भोग की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। भोग में मैंने देखिए आप दिखाऊंगी अभी क्या क्या मैंने बनाया है। सो कुछ थोड़ी बहुत 2-3 चीज़ें थी मैंने वो बनाई है। पहले यहाँ पे तो मैं पंजीरी की तैयारी कर रही हूँ। इस छोटे से पैन में मैंने अपना जो है तेल डाल के यहाँ पे मैंने अदरक से पंजीरी बनाई थी, क्योंकि मेरे को जो पिसी हुई जो अदरक होती है ना, अदरक का पाउडर वो नहीं मिला था। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी पूड़ी, सो वो पंजीरी, सेवैयाँ और ये भंडारे वाली जो सब्ज़ी होती है बिना लहसुन प्याज के, वो मैंने बनाई थी। ये तो मैंने सब भोग के लिए बनाया। फिर मैं यहाँ पे अपना रेडी होके आ गई शाम की पूजा के लिए, ठीक है। पहले मैंने वही अपना जो होता है कि मंदिर के अपना सारा आरती वगैरह लगाई, फिर मैंने अपना भोग वगैरह लगाया, ठीक है। ये मैं अपना भोग लगा दूंगी भगवान जी को। पहले मैंने यहाँ पे अपनी आरती जलाई। यहाँ पे आंटी जी मेरे से कुछ पूछ रही थी शायद कि मैं तो नहीं आ रही हूँ कैमरे में। मैंने कहा नहीं आंटी जी, इधर रखा हुआ है कैमरा, आप नहीं आ रहे हो। और उसके बाद अभी यहाँ पे आएंगे आंटी जी भी भगवान जी से अपना आशीर्वाद लेने आएंगे, हाथ जोड़ने। तो अभी आपको दिखेंगी आगे, आप देखते रहिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आंटी मेरे को, मतलब घर पे हर एक चीज़ का उन्होंने, कि मधु के पास, मधु अकेले रहती है, उसको भी इतना नहीं पता है कि मतलब घर में क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, कैसे घर चलता है सब कुछ।
तो वो हर छोटी छोटी चीज़ मुझे सिखा रही थी, बता रही थी, जो चीज़ मेरे पास नहीं थी कि मधु ये नहीं है, ये अभी चलेंगे लेके आएंगे, ऐसे करके। फिर हम गए भी थे संडे को, थोड़ा सा अपना जो किचन का सामान वगैरह था जो आंटी को लगा कि हाँ होना चाहिए, मेरे पास नहीं था, तो फिर हम लोग गए शॉपिंग करके लाए। वो मैं आपको डालूंगी इस ब्लॉग के बाद, वो ब्लॉग आएगा। हम शाम को उसके बाद संडे मूवी भी देखने गए थे, और भी थोड़ा सा लोकल मार्केट थी जो गुड़गांव की अपना सेक्टर 14 वगैरह की, वो सब मैंने थोड़ा 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 शूट किया है, वो भी मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो अगला ब्लॉग जो मिस बिल्कुल मत करिएगा। मैंने पहले जन्माष्टमी का ब्लॉग दे दिया क्योंकि मैंने फिर ये थोड़ा पुराना हो जाता, वो तो मैं कभी भी डाल सकती हूँ, बट जन्माष्टमी के दिन मेरे को लगा कि जन्माष्टमी का ब्लॉग जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है। और उसके बाद मैं आपको संडे जो हम अपना घूमने गए थे थोड़ा बहुत, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरी पूजा जो है वो कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे मैंने अपना भोग वगैरह भी लगा दिया है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आएंगी अब आंटी जी, वो भी थोड़ा सा अपना भगवान जी से आशीर्वाद लेंगी, हाथ जोड़ेंगी, उसके बाद हम थोड़ा बैठ के अपना बातें शाते करेंगे। अब मैंने थोड़े फोटोज़ वोटोज़ लिए थे, एक छोटी सी वीडियो भी शूट करी थी आंटी जी के साथ, वो भी मैं अभी आखिरी में ऐड कर दूंगी। मुझे उनके साथ बहुत ही अच्छा लगा, 3 दिन मतलब पता नहीं चले कहाँ निकल गए, तो हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत बहुत सारी। तो यहाँ पे ये जो है आंटी जी अपना आशीर्वाद ले रही हैं। बस यहीं पे हमारा जो ब्लॉग है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा, मैंने छोटा सा बस ब्लॉग शूट किया था। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच।